हेलो दोस्तों, डॉक्टर जांगी दिस साइड और एलोपेशिया एरेटा पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। उम्मीद है कि आपने देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो ये वीडियोस आप ज़रूर देख लेना। काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है और क्वेश्चन मेरे पास में आता है कि डॉक्टर आप कैसे ट्रीट करते हो एलोपेशिया एरेटा को। क्या ज़रूरी है कि खाने की दवाई दी जाए? क्या ज़रूरी है कि इसमें इंजेक्शन लगाया जाए? क्या ऐसे ही ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता? ओके, ये काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं। तो मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, मेरा क्या टाइमलाइन होता है, किस तरह से मेरा जो है वो थॉट प्रोसेस होता है एलोपेशिया एरेटा को ठीक करने के लिए, मैं आपको आज डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, एलोपेशिया एरेटा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है और इम्यूनिटी वाले पार्ट को हमें वर्क करना होता है, तभी जाके एलोपेशिया एरेटा का जो है वो ट्रीटमेंट हो पाएगा। इन जनरल क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑटोइम्यून कंडीशंस होती है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाती है, उनमें से ये भी है एलोपेशिया एरेटा। अभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल या डबल पेचेज होते हैं तो उस कंडीशन में आपको कोई खास ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है और जो है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉक्टर ये पेचेज मेरे बनते रहते हैं, आज तक कभी मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया, लेकिन कभी ठीक होते हैं कभी वापस आ जाते हैं, और क्या करना चाहिए, और मैंने तो कभी इसको सीरियसली ज़्यादा लिया नहीं। ओके, तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आपको सिंगल पेच है, ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो आप टॉपिकल जैसे कि आप अनियन जूस आप लगा सकते हैं, जैसे एक मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मेरे हिसाब से आप डॉक्टर से डिस्कस करना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। अगर आप मेरे पास में कोई सिंगल या डबल पेच वाले आते हैं तो मेरा जो थॉट प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो डिजीज़ ज़्यादा नहीं होती है, और उस स्टेज में क्या होता है कि मैं मिनिमल मेडिसिन देने की कोशिश करता हूँ। इंजेक्शंस का पार्ट मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके ओरल मेडिसिन के साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, और जो दवाई हम देना चाहते हैं, जहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, वहीं पर आपकी पहुँच जाती है इंजेक्शन से। काफ़ी लोग इंजेक्शन से थोड़े डरते हैं कि डॉक्टर ऐसा तो नहीं कि कुछ और कोई तकलीफ़ हो जाए, बिकॉज ये इंजेक्शन आप जो सिर में दे रहे हो, हमारा जो हेयर लॉस है वो सिर में है। तो ऐसा कभी नहीं होता है, इंजेक्शन बहुत ही टाइनी पिक्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पिक्स होते हैं, लाइक इंसुलिन सिरिंज से देते हैं। दे आर लाइक वेरी सिंपल ट्रीटमेंट और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। आप इसको ऐसे देखिए, अगर कोई मेडिसिन हमें ओरल देना है और यहाँ पर हमें पहुँचाना है, तो उसका हो सकता है 1% or 2% पहुँचे, या फिर इम्यूनिटी के हिसाब से आपका वर्क करें वहाँ पर। तो इससे अच्छा है कि जिस जगह पे हमें ट्रीटमेंट चाहिए, ओके, वहीं पे हमने दे दिया इंजेक्शन से। इसलिए इंजेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं किसी भी दूसरी दवाई से अर्ली स्टेज में, जो आपका डिजीज़ होता है उसमें। अगर हमें लगे कि भाई मल्टीपल पेचेज बन रहे हैं या फिर इंजेक्शन वाला पार्ट से ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल ट्रीटमेंट देना होता है, जिसमें कुछ ओरल इम्यूनो सप्रेसिव हो सकते हैं, और उनमें से हो सकता है कि कुछ स्टीरॉयडल पार्ट हो, कुछ नॉन स्टीरॉयडल पार्ट हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो, राइट। और उस स्टेज में फिर एक आपके वजन के हिसाब से आपका जो है वो डोज तय होती है, और साथ साथ में आपके इस की डिजीज़ की एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है, जैसे एग्जांपल कुछ पीआरपी थेरेपी का पार्ट हम ऐड करते हैं। तो सिंगल पेच होता है उसमें पीआरपी जनरली ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, दूसरे इंजेक्शन होते हैं दैट कैन बी गिवन। लेकिन अगर मल्टीपल है, लगता है काफ़ी एरिया में है, मोर देन 50% एरिया में है, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपका पीआरपी प्लस जो इंजेक्शन का पार्ट हो कॉम्बिनेशन करे, प्लस ओरल मेडिकेशन सबको दे। स्टेरॉइड्स की बात आती है तो हमेशा एक चिंता रहती है कि डॉक्टर इसके तो बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो डॉक्टर हमेशा इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों को कैलकुलेट करके देता है। ओके, और जिस दवाई का है ना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, जिस दवाई का एक नॉन साइड इफेक्ट होता है ना कि भाई ये साइड इफेक्ट होने का चांसेस रहता है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका दवाई के डे वन से स्टार्ट होने से, राइट। तो आप दवाई ऐसे नहीं ले सकते कि भाई मुझे दवाई लेना है एंड आई कैन स्लीप नाइसली, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको दवाई का साइड इफेक्ट है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें स्टीरॉइड से, तो हल्का सा वजन बढ़ने का चांसेस रहता है, तो आप डे वन से आप वर्कआउट करना शुरू कीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल ठीक रखिए, है ना। हमें पता है कोई दवाई अंदर जा रही है तो हमें उस पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, हम नज़र रखेंगे तो मान के चले कि उसके साइड इफेक्ट को होने के चांसेस बहुत कम है, या फिर उसको हम अर्ली स्टेज में ठीक कर लेंगे। सेकेंड है कि आपका कॉन्टैक्ट डॉक्टर से हमेशा होना ज़रूरी है, एवरी लाइक मंथ और टू मंथ, जैसे आपके डॉक्टर बोलते हैं विजिट होना ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर अच्छे से आपका असेसमेंट कर पाए, राइट। मोस्ट ऑफ टाइम एक लिस्ट बना देता हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर आपको जो तकलीफ होती है डॉक्टर कभी मुझे ये तकलीफ है वो डॉक्टर को बतानी है, तो डॉक्टर कुछ क्वेश्चंस पूछ के आपका साइड इफेक्ट का असेसमेंट कर लेते हैं। तो कहने मतलब है कि साइड इफेक्ट और इफेक्ट दोनों डॉक्टर का एक सुपरविजन होता है अच्छा सा, तो उसका प्लीज़ हमेशा अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हुए वो दवाई लेना है। कोई डाउट हो दवाई के बारे में तो आप एक बार नहीं 10 बार डॉक्टर से पूछिए, राइट। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो ये मान के चलिए कि हमें कुछ टाइम देना पड़ता है, जैसे कभी कभार एलोपेशिया टोटलिस या एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होता है, जिसके अंदर एक अच्छी डोज दी जाती है एक अच्छे समय के लिए, उसके बाद भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो मान के चलिए हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ता है। बिकॉज होता क्या कि हमारे बॉडी के अंदर ऑटोइम्यूनिटी होती है ना, वो ज़्यादा ही होती है, तो हम उस ऑटोइम्यूनिटी के पार्ट को हम अपने आप जो कम हो जाए उसका हम वेट करते हैं। मैं भी कुछ महीने या कुछ साल, मैंने देखा कि मेरे पास में एक लेडी या लड़की आई थी, अराउंड 4 ईयर्स बेबी आई थी, एंड जब वो 7-8 ईयर्स के आसपास वापस आए तो उसके पूरे बाल थे इवन विदाउट मेडिकेशन, एंड सी वाज एलोपेशिया
यूनिवर्सलिस, कंप्लीट बॉडी पे उनके बाल नहीं थे। तो कहने मतलब है कि अगर हम टाइम देते हैं तो बॉडी अपने आप ही ठीक करने का कोशिश करता है। तो इस तरह मैं अपना टाइम प्लान बनाता हूँ। मेरा ये मानना है कि इसको ठीक होने में रफली 3 to 6 months लगते हैं। तो आप अपना एक अच्छा सा टाइम दीजिए, अच्छे से डॉक्टर को चुनिए। नो डाउट इंडियन डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, सबको अच्छा नॉलेज होता है। तो आप डॉक्टर से डिस्कस करते रहिए, आप है ना, बात करते रहिए। जितने बात करोगे डॉक्टर से, वो आपके क्वेरीज है वो क्लियर होगी, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर किसी स्टेज में लगता है कि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें होती है उस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा इफेक्ट कितना है और साइड इफेक्ट कितना है। ओके, तो हमेशा एक कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपना एलोपेशिया का ट्रीटमेंट कराइए, एंड उम्मीद करूँगा कि आपका एलोपेशिया भी ठीक हो जाएगा। रिकरेंस रेट हमेशा होती है, बार बार होने के चांसेस रहता है, तो ये भी हमेशा ध्यान रखना होता है कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो आपका सुपरविजन भी होना ज़रूरी है, और आपके डॉक्टर का जो सुपरविजन है वो भी होना ज़रूरी है। ओके, इस तरह से धीरे धीरे आपका जो एलोपेशिया है वो कम हो जाएगा, राइट। तो ये था मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कि मैं कैसे एलोपेशिया को ठीक करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी कोई भी अगर डाउट है तो आप जब मेरे से मिलते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। मैं हमेशा खुश होता हूँ इस चीज़ के लिए कि आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।